अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है भाई जान कि मैं बहुत देर के बाद इस चैनल पे व्लॉग डाल रहा हूँ। अभी मेरी हालत पे नहीं जाना भाई जान। सुबह सुबह का भाई उठा है, फ्रेश हुआ है, बल्कि फ्रेश अभी होने जाकर नहाने लगा हूँ। मेरे भाई जान कपड़े शपड़े आ गए हैं, ये चेक करें। आपके भाई ने नई हुडी ली है और स्पॉन्सर नहीं करना लेकिन चेक करें, माशाल्लाह नई हुडी है। और बाकी ये है कि भाई जान शर्ट शूट रख दी है। आपका भाई बस तैयारी करने लगा है। ये देख रहे हो यहाँ से मेरी आँख फुल रेड हुई पड़ी है, और ये रेड होने की वजह यह कि आपके भाई को रात को फुल फ्लू लगा हुआ था, फुल छींके, अभी भी वजन फुल, नाक बह रहा है, बुरा हाल है। लेकिन मुझे मेरा गर्म पानी से नहाएंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा। तो आज का सीन ये है कि यार आज जा रहे हैं मामा मेरे मान बाहर खाने पीने। तो भाई जन वहाँ चल के खाना पीना करते हैं, बाहर आया जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद प्लान किया हुआ नाम भाई जन, पूरा दिन जो है पूरा हफ्ता घर पर गुजरता है, व्लॉग्स व्लॉग दूसरे बनते रहते हैं। आपका भाई इस चैनल पर बहुत देर बाद आया है, तो आपने भाई जन फुल सपोर्ट दिखानी है भाई को। भाई इस पर रेगुलर व्लॉग्स डालता रहेगा इनशाला, कह दें कमेंट्स में। और क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत देर के बाद चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ प्रॉपर। और भाई यार हमारा एक कमरा है एक अदद छोटा सा, अभी इसके हालात पे नहीं जाना आपने, हालात थोड़े नाजुक ही हैं। लेकिन हम इसको अंदर थोड़ा सेट, हमारा पहले था कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर से हम आ गए नीचे आ गए, तो भाई नीचे वाले फ्लोर को हमने थोड़ा सेट करना है। ऊपर हमारा कमरा फुल सेट था, फुल मज़ेदार किस्म का हमने किया हुआ था लेकिन अब वो दिखाने के काबिल नहीं है क्योंकि उसमें कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो बेसिकली सारा सामान से ही है, मतलब पूरा जो है सामान सून पड़ा हुआ है, आपको क्या बताऊँ उसका। तो ये सीन है भाई जान कि हम इसको भी करते हैं थोड़ा सेट शूट। तो आप लोग आइडियाज़ दो कमेंट्स में कि हमें इस कॉर्नर को कैसे डेकोरेट करना चाहिए। पूरा यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, एडिटिंग वगैरह का सारा सीन यहाँ पर, टीवी भी लगा देंगे, जो जो कुछ आप कहोगे वो करेंगे। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इस चैनल पे अब आपके भाई ने सोच लिया है कि डेली एक व्लॉग आएगा। अब ये आप पे है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे तो आपका भाई इस पे लाजमी डालेगा, और वैसे भी ही डालेगा। तो इंशाल्लाह आपने फुल सपोर्ट दिखा दी भाई को। भाई यहाँ पे हर तरह की रूटीन में, जो दोस्तों के साथ चुअल लग रहा है, मामा के साथ, बहन के साथ, सारा कुछ रूटीन में वो आपके भाई को दिखाएगा। तो अभी का सीन ये है कि चल के नहाते हैं, तैयार श्यार होते हैं, कपड़े शपड़े अपने देर होगी हुई है, तो तैयार श्यार होकर आपसे मिलते हैं। ओके आपका भाई अभी दो मिनट में ट्रांजिशन डालता है, तैयार होकर आता है। लो जी आपका भाई यार तैयार हो गया है, रेडी शेडी हो गए हैं। अब मामा रिमान का बेटा वो रेडी हो रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। लेकिन भजन आपके भाई को इतनी छींके आ रही है, इतनी छींके आ रही है कि छींके मार मार के बुरा हाल हो गया है। और ये देखो आँख मेरी अभी तक रेड है। हेलो ये क्या है, ये क्या है, कौन सा खाती ब्लॉग में आ गई बाप, ये क्या ले गई हूँ। ओहो एक मेकअप ही नहीं खत्म होते मान के, ये बनी क्या हुई आज, फुल इंग्लिश माहौल। क्या प्लान है, रेडी हो गई हूँ, न्यू द वेटर वाइब्स आ रही है। हाँ मामा के वो क्या कहते हैं इंग्लिश रेस्टोरेंट का वेटर। हाँ राया में होते भी होंगे सारे लोग, मुझे नहीं तो राया जाना है अभी हमने। हाँ। तो क्या सीन है अभी, कब तक निकलना है मामा, अभी बस निकलने लगे। चलो ठीक है मैं तो रेडी हो गया, मामा से पूछो कितनी देर है फिर निकलते हैं। जी मेरी मेडिसिन आ गई है, मेडिसिन खाऊंगा तो कुछ सेट होगा। हाँ जी क्या व्लॉग बनाना है, मैं ठीक है, वहाँ हमारे बुरा हाल हो गया। चलो जाना था ना हमने, राया मामा बिजी रहती हैं, उनका आज ही तो फ्री दिन था। वो लाल आंखें आशु, ये वाली आंख बिल्कुल रेड हुई है, देख रही हूँ। हाँ, हाँ। फुल रेड है, जैसा आपने लेंस लगाए हो तो आपकी रेड हो जाती है ना, उससे मेरी वैसे होगी। सुबह उठो मतलब मुझे एक्सपोज ना करो। आजे 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 नानू आ रही थी, वापस भाग गई है, ये देखना जरा नानू आ रही थी कैमरा देख के वापस भाग गई। दरवाजा खुला है, वापस बांध। किस कलर के लेंस लगाए हुए हैं, ग्रे ग्रे ग्रीन के, क्या कुछ ग्रीनिश ग्रीन है कुछ ऐसा। तो यार मैं रेडी हो गया हूँ, ईमान भी रेडी होगी हुई है, और मामा आप तैयार करिए, मैं जल्दी कर लें फिर देर हो जाती है, मैंने आगे भी जाना है, जल्दी कर लेना। कुछ छींके मुझे आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप देर करें, इससे बेहतर है कि हम जाएंगे बाहर जाकर ठीक होती हैं छींके। मेरे को पता जब मैं गाड़ी में जाता हूँ तब छींके ठीक होती है मेरी, नहीं सही में घर में आती रहती है, अभी गर्म पानी से नहाया हूँ तब भी आ रही थी, लेकिन बाहर जाऊँगा गाड़ी में वो ठीक हो जाती है फिर, ये तो मजे की बात है। हाँ चलो सॉक्स दिखाना, देखो अच्छी चीजें हैं मेहमान। ओलो अच्छा जल्दी कर लो ना, अब देर हो रही है। चलो आप निकलते हैं, आपसे वहाँ गाड़ी में पहुँच के मिलते हैं, तो बहुत देर करें सारे। लो जी फाइनली आ गए हैं जी। ओ मामा को देखो जरा, मामा को देखो जरा, फुटबॉल खेलना शुरू कर दी मामा ने तो। हाँ जी आप गेट बंद करके आए, मैं तो गाड़ी में गर्म करता था ना, गाड़ी स्टार्ट थी इसलिए। हाँ, गाड़ी गर्म कर,
मुझे बहुत बुरा फ्लू लगा हुआ है, मेरी आंख कितनी रेड हुई है देखिए। चलो निकले फिर हम पैर तो साइड करें। हमारे राया जाना है और क्या प्लान है, राया जाके खाना पीना करना है। आज हमारा फैमिली डे आउट है, कभी फैमिली डे आउट नहीं भी होता, तो यही है। चलो जी एंजॉय करना चाहिए। हां जी ज्ञानी बाबा आ गए बताने के लिए, क्या कह रहे हैं ज्ञानी बाबा? क्या होता है ज्ञानी बाबा? वो होता है जो ज्ञान देते हैं फालतू का, हर दो मिनट बाद चाहिए और क्या नहीं, हर दो मिनट बाद ज्ञान। चलो यार निकलते हैं। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं डीएच फेज 6 में, अब जा रहे हैं राय की तरफ। मामा क्या प्लान है खाने पीने का? कुछ सोचा ही नहीं हमने अभी तक, भूख से बुरा हाल हो रहा है। इनका कुछ देख लेते हैं, इनका आज इनका बफे ना ट्राई करें, क्या है वो जो इनके? नहीं नहीं बफे नहीं, थोड़ा सा ही खाना, लेकिन कुछ खाना है, बफे खाने का दिल नहीं कर रहा। चलो ठीक है, और छींके मेरे अभी तक ठीक नहीं, बुरा हाल हो रहा है फ्लू से बहुत ज्यादा। गर्म चीजें खाओ ना फिर। नहीं लेकिन कुछ खाना है ना, देखते हैं क्या सीन है। राया पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, और आज हमने कुछ मजे मजे, मैं ये बताने लगा था कि हम राया पहुंच गए, मामा पहले ही बता रही व्लॉग में अपने। ये देखो चलो यार जाके देखते हैं क्या खाना पीना है अब। मैं भी शुरू कर देती हूं। चलो तीन तीन व्लॉग एक टाइम पे चल रहे हैं, आप चेक करें लेवल ज़रा। यार भाई आ गए, इनको वेले पे गाड़ी देते हैं और हम लोग भाईजान निकलते हैं। चलो जी ले भाई, यहाँ पे बेसमेंट में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? चले ठीक है ठीक है, वो दे दें पर्ची। ये जी पर्ची आ गई है। हाँ जी चलें फिर, गाड़ी वो लगाया जा रहा है पार्किंग में। चलो चलो, जाना कहाँ पे ये देख लें, लोकेशन कौन सी करनी है, बहुत रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे तो। हाँ जी बताएं बॉर्डर क्या करना है आपने, कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। वो देखो उसको देख लो। कुछ समझ नहीं आ रही, वाकई नहीं आ रही नहीं। मेन्यू की भी समझ नहीं आ रही कि क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि मेरा भी कुछ मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा है। माँ ने जी मीठा खाना है और मेरा एक कुछ नमकीन खा जाए। हाँ जी अब देखते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। ये जी मान का चल रहा है, यहाँ पे फोटो शूट चेक करेंगे, क्या बात है, सेव कर लेते हैं उसको, पोस्ट होने लगी थी भी आपकी फोटो। चलो एक और, देखो कैसी है, सही आ गई है? नहीं नहीं आई, थोड़े क्लोज अप लो ना, मुझे इसने फोटोग्राफर रखा हुआ अपना। तो यार ऑर्डर वगैरह आ गया, ये जी पिज्जा आ गया, इसको थोड़ा आगे कर, और ये बर्गर आ गया बीफ। ये जी वेजेस ट्राई करते हैं इसके, मजे के। वैसे टेस्टी पिज़्ज़ा कैसा है, ट्राई किए? चलो यार पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं, पहले ये करें। हाँ बर्गर भी मंगवाया हुआ मैंने। A few minutes later, खाना वगैरह खा लिया है, अभी हमारी पर्ची गाड़ी की, जाके गाड़ी शाड़ी पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं वापस, और देखते हैं कोई और काम शाम है तो वो भी कर लेते हैं चल के। ये जी बॉयज अपना रहे वो आ चुका है। चलो जी यार हम लोग खाना वगैरह खा के, आप ये क्या है नहीं लेकिन मुझे ना ज्यादा बर्गर बेहतर लगा, वो भी अच्छा था। जो पिज्जा ओरिजिनेट हुआ था ना पेरिस, पता है मुझे कि इस तरह के पिज्जे थिन क्रस्ट लो वहाँ पे चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलते ना, तो इसलिए मुझे भी नहीं पसंद। यहाँ पे देसी स्टाइल में भाई फुल घी से भरा हुआ पिज्जा, चीज से भरा हुआ पिज्जा, उसका मजा आता है। और स्टफ्ड क्रस्ट, स्टफ्ड क्रस्ट, ये अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ भी चलेंगे। हाँ ट्राई करते हैं। अभी क्या वापस निकलने के काम शाम है? अच्छा सलोन जाना आपने, चलिए आपको सलोन उतार देते हैं। लो यार मामा भी आ गई हुई है, मान भी आ गए फाइनली वापस, और मेरा इतना बुरा हाल हुआ है ना, छींके मार मार के मेरी आंखों से आप नजर लगाए, बहुत बुरा हाल हो गया सुबह से, और इस वजह से शायद एनर्जी भी डाउन हो, लेकिन बहुत बैड सीन हुआ है। लेकिन व्लॉग नहीं डिसकंटिन्यू करने चाहिए। हाँ जी इतना हिम्मत, इतनी जज्बा है। हाँ जी अभी ये कि बैरियर चलते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें, फिर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं बोल दिया तो बोल दिया,
चलो जी यार आपसे बैरिया पहुंच के मिलते हैं ओके ये जी हम लोग एंटर हो चुके हैं बैरिया के अंदर और इमान आपको क्या ड्रॉप करना है सैलून पे हाँ, क्या सीन है सैलून छोड़ना था अच्छा तो आपको पिकअप करना है फिर बस एक घंटे तक मैंने आगे ब्लॉग में नहीं जाना बस एक घंटा ना पूरा एक घंटा लगेगा हाँ। बस ठीक है और आपने हमें घर जाना है क्या सीन है साथ जाना है मैंने नहीं सैलून जाना है अभी तो सैलून से आ रही हूँ दूसरे वाले अच्छा चलो इमान को ड्रॉप करते हैं मेरे कुछ काम शाम है मामा को ड्रॉप करना है वो करते हैं उतने इमान भी फ्री हो जाएगी फिर इमान को पिक करते हैं और फिर घर चलते हैं और सुनैना से भी ओके मान जल्दी से ना कर लो अभी आगे भी जाना देर हो रही है जल्दी कर लेना मुझे कॉल कर देना फ्री ओके ओके चलो जी यार हम अपने काम शाम करते हैं मामा को करते हैं घर ड्रॉप मामा अपने कॉल पे बिजी हैं हां क्या बना रहे हो इन्हें अपना भी बनाना है तू बना लो अच्छा तुम मेरा आगे कॉल नहीं ओके मामा फिर लाफिस मैं अपना काम शाम करता हूं फिर वापसी पे मामा को ले आता हूं तो ईमान को पूछ लेना फिर इतना देर तो नहीं हो रही उसको नहीं नहीं वो कह रही है कि घंटे तक मैं फ्री हो जाऊंगी मुझे बहुत तबीयत खराब हो रही फ्लू से तो तुम ना जाओ ना तुम क्यों जा रहे हो फिर अंदर आ जाओ कुछ काम है ना करने वाले उसको पिक करना फिर दोबारा आ जाऊंगा फिर लेके तो उसको मैं पिक कर लूंगी तो ले आ तो मेरे काम करने वो भी जरूरी है चलो करो फिर हाँ दिया हॉर्न और छोटी को भी लेके आना ज़ैनब को अच्छा ठीक है ओके Hours later. लो यार हमारे जो काम शांति करने वाले भाई निकल रही हैं अब हम आ गए हैं सैलून पे वापस और ईमान को पिक करते हैं उसकी मुझे कॉल आ गई थी कि मैं हो गई हूँ फ्री तो उस पिक करते हैं घर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या सीन है भाई जान उसको हॉर्न दे दें ताकि ज़रा आ जाए ये क्या है ये किया इसने बालों को जी कलर करा लिया वालेकुम अस्सलाम ये क्या किया है बालों को ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ कलर कौन सा किया है पेंडू लग रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड है लेटेस्ट अस्तगफिरुल्लाह ये कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड है नहीं नहीं इनके पास पैसे आते हैं वो इस तरह के हेयर स्टाइल बनाती हैं ना करो भैया ये मैंने पिंटरेस्ट क्या पे देखा मतलब पिंटरेस्ट में पिंटरेस्ट का हेयर स्टाइल का एक भैया ये मैंने कार्टून लग रही है घर से आपकी मामा से होनी बिजती है जी खासी भैया ना करो मैंने उस पे देखा मामा को बताया है कि कराना है मैंने नहीं मैंने मामा को सरप्राइज देना था बेटा जी तो मैं सरप्राइज मिलता घर जाके देखना होता कि आपके साथ पापा से भी आपकी होनी है मामा से भी होनी है मजे की बात ये है क्योंकि इतनी आप खतरनाक लग रही है ना इस वक्त इतने प्यारे हुए हैं इसमें ग्रीन शेड भी है क्या है ये हाँ है देखो ये ग्रीन शेड क्यों आ रहा है इसमें डिफरेंट शेड होते हैं ये गोल्डन का एक शेड है इसमें डिफरेंट शेड आते हैं लेकिन ओवरऑल लुक बहुत पेंडू आ रही है मजाक के अलावा भैया ये अच्छी लग रही है मॉडर्न कहाँ से लग रही हूँ न्यू ईयर पे लोग चेंज करते हैं अपने आप को एसोजेन से बेहतर है कि बंदा चेंज ही ना करे क्या कहते हो आप लोग मतलब ये क्या है मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया मैं तो सच बोलता हूँ मैं झूठ बोलता ही नहीं कभी भैया यार अच्छे लग रहे जी भी यहाँ से निकलो भाई देखते हैं मम्मा को भी अच्छे लगेंगे देखते हैं जाके भाई आप बताएं कमेंट्स में क्या बन गया ये कोई है ये मतलब ओलो आंटी का दरवाजा खुलता जा रहा है मैं पीछे कर रहा हूँ गाड़ी अस्तगफिरुल्लाह वैसे देख के मुझे बार बार अजीब से ही लग रहा है हाँ क्या हुआ अंदर चलो और अपनी जगह अंदर मिस्ती कराओ जो आप जाके आई हो आओ जरा अस्सलाम वालेकुम ये देख क्या चाइना की बिली आइलिश लग रही है क्या है कलर देखिए कितना गंदा कर रहा है आप बताएं अच्छा लग रहा है इसको मुझे तो नहीं पसंद आया क्या कलर है ये हल्का सा ब्राउन अच्छा लगता है ये दो घंटे से तीन घंटे से लगी हुई थी ये करा के आई है इतने ही है मां नहीं सूट कर रहा यार आपको लो जी क्या था ना कभी पापा मम्मी को बहुत पसंद आएगा तो इसलिए मैं करा लेती देखा था इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग था तो हर चीज जो ट्रेंड कर मामा इधर आया जरा इधर आया आपको चीज दिखानी है कटर के आई है जरा इधर आया आपको चीज दिखानी है मामा अपने सारे बाल कलर करवाई है क्या पूरे बाल ऑरेंज कह रहा हूं गोल्डन कलर के पेंडू नहीं होते जो हां जो नए नए लोग कराते कलर क्या महकूम इतने गंदे लगने बाद ब्राउन में ब्राउन कहाँ जी चले चलो आपके हैं आपके ब्राउन है मतलब क्या है जो आपके हैं आपके अच्छे लगते हैं इस तरह के उसने देखे क्या कराया आपको बताया नहीं उसने मुझे तो नहीं बताया उसने वो जो करने गई थी वो ये कराने गई थी जरा आए जरा वो देख क्या लग रहा है पीछे से खड़ा हुआ क्या लग रहा खड़ा हुआ क्या है ये क्या मतलब है ऊपर से व्लॉग भी बना रही इतना सीन व्लॉग बन रहा होगा लोगों ने क्या कह दिया ये अंग्रेज बन के आई है अपनी तरफ से मसी इसके वापस कैसे होंगे इस तरह से हर कलर सूट नहीं करता यार
क्या लग रहे हैं? नकली लग रहा है। नकली लग रहे हैं क्या मतलब? हाँ। कैसे? इसके अपने बाल वैसे लंबे हैं, अपने बाल तो लंबे थोड़े हैं। साथ कटिंग भी कराई है, लेकिन बहुत गंदे लग रहे हैं। नहीं मुंबई नकली नहीं है यार, मेरी बात सुनो, मुझे उल्लू ना बनाओ, हम सबको उल्लू बनाते क्या? वाकई नकली है? नकली नहीं है। ओ मुझे एक चीज मिली, मुझे एक चीज मिली, राहुल राहुल ये देखो जरा, अच्छी बात है, आपने लगा ली वरना हमने आपको छोड़ना नहीं था जो आपने किया। मुझे हाँ मुझे बता रहा है कि पता नहीं क्या बार-बार हाथ लगाने दे रही है। कौन सा तुम कहती ट्रेंडिंग है? नहीं ये तो मैंने वो बारहवीं के चैलेंज के वक्त लिया था, उसके ऊपर पढ़ा ही। उतारो अब इसको जल्दी जरा, मैं खुसरा लुका रही है। वाकई खुसरा लुका है वाकई। अब देखो जरा शक्ल देखो जो बनी है। बॉयज यार मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, फैमिली डे आउट और ईमान का खतरनाक प्रैंक भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो पूरा प्रैंक देखना है तो उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, तो जाके उसके चैनल पे वो पूरा प्रैंक देख सकते हो। और मुझे उम्मीद है आपने आज का ब्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर इंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो और हर जगह पहुँचाया करो अपने भाई की वीडियोस। जिस तरह प्यार दिखाते हो इसी तरह दिखाया करो और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।